हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज है हमारा कश्मीर का सेकंड डे और हम लोग अभी अभी उठे हैं सब लोग, और आपको दिखा दें यहाँ का व्यू। सो एक्साइटेड हो आप सब? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए गाइस। वाओ, और ये देखिए, आहा, कश्मीर की वादियों का ये नज़ारा, बर्फ ही बर्फ, गजब। और गाइस, जम्मू में हम लोग जो हैं छांव ढूंढ रहे थे, और अपने प्रयागराज में एक पेड़ ढूंढ रहे थे कि बैठ जाए धूप ना लगे। और गाइस, आपको यहाँ दिखा दूं कि हमारे घर वाले सब यहाँ बैठ के धूप ले रहे हैं। तो मम्मी ठंडी लग रही है? मम्मी शॉल ऑल सब लिए बैठी है आराम से। बढ़िया। ये देखो, ये सन्यास लेके बैठा हुआ, कपाल भारती का। हेलो विलोम भी कर रहा है, देखो जरा। तो गाइस, व्यूज आपको कैसा लगा बताना भाई कमेंट में जरूर। व्यू हमें को व्यूज व्यूज तो ये लोग आएंगे। सो बहुत सुंदर जगह है, बहुत। ये हमारा होटल है, पूरा नजारा। और ये सब पागल यहाँ बैठे हुए हैं। ये पगलिया भी बैठी है। तो यहाँ कंट्रेक्शन हो रहा है, यहाँ देखिए गाइस, फल सब्जियाँ लगी हुई हैं, और पीछे का नजारा तो और ही गजब है। ये देखिए पहाड़ी पहाड़ के बीचों में बीच हम हैं। और ये आपको ये पेड़ दिख रहा है ना, सारे पेड़ अखरोट के पेड़ हैं। ये अखरोट के पेड़ हैं आपको दिख रहे हैं जो, ये हो गए, ये हैं, ये सारे दिखाए आपको। ये अखरोट लगे हुए हैं, छोटे छोटे अखरोट लगे हुए हैं, हरे हरे होते हैं, इनको फोड़ के उनमें से अखरोट निकलते हैं गाइस। तो बने रहिएगा, आगे आपको और भी सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे। सो गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं, निकल रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जाते हैं ये भी मुझे पता नहीं है, मैं बताऊंगी आप सबको। गाइस, यहाँ का व्यू देखकर कितना मज़ा आ रहा है कि क्या ही बताऊँ आपको। आपको दिखाती हूँ, और दोनों मेरे पागल बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो भी दिखाऊंगी। तो दोनों तो ये वीडियो बन रही है गाइस यहाँ पे, और बाहर का व्यू वाओ, धूप है बहुत बट मजा आ रहा है देख के। हेलो गाइस, सो यू आर एक्साइटेड सो मच? आपकी चाबी आपके पास है? नहीं, रखती है बिस्तर पे। देखो सब गाइस निकल रहे हैं यहाँ से, चलते हैं, मिलते हैं वादियों में। सो गाइज, यहाँ पे यदि आप आते हो तो आपको यहाँ पे जो इस गाड़ी से आप आते हो वो गाड़ी आपको नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे इनकी खुद की गाड़ियाँ मिलेंगी। जो आप यदि यहाँ पे, ये इनकी यहाँ प्राइवेट टैक्सी होती है जो आपके लिए अवेलेबल की जाती है होटल के थ्रू। ठीक है गाइज, तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं, सब लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में। तो चलो गाइस, सब लोग बैठ जाओ। तो हम लोग सब लोग बैठ गए हैं गाइस निकलने के लिए, हम जा रहे हैं गाइस। अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? चंदन बेता वैली। सो गाइस, आगे का आप व्यू देखिएगा, तब तक के लिए बाय। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। आई लव यू गाइस। यहाँ के पत्थर
यहाँ के पत्थर ले लेके जाना घर अपने, बर्फ लेके चलना, बर्फ मिलेगी, एक पन्नी में हवा एक पन्नी में बर्फ लेके जाऊंगा, हवा और बर्फ दोस्तों को भी दिखाना है। देखो देखो मैं गर्मी में झुलस रही हूँ 45-50 डिग्री में, 11-12 डिग्री में, ये बात तो पानी बरस रहा है भाई, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि कश्मीर बर्फ लेके जाऊंगी पिघल जाएगी। ऐसे उड़ते हैं भाई हवा में, मजाक कर रहे थे हम लोग, आराम से रहो। क्या हवा है यार भैया, मोबाइल देख करके बेटा। सो गाइस हम लोग आ गए हैं चंदन वैली, तो ये इतना सुंदर है गाइस, आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ का, दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़, बगल में ये प्यारी प्यारी नदियां बहते हुए, और सच बताएं तो देख के इतना सुकून मिल रहा है ना, क्या ही बताएं गाइस आप सबको। और ठंड ठंड बहुत है, बहुत ज्यादा ठंड है, पावर कहाँ मिलेगा। सो गाइस अभी अनमोल से पूछा गया भाई घोड़ा लेना है, तो अनमोल कह रहा है घोड़े का नाम ना लो पीछे सूजा हुआ है, मुझे याद है कि मैंने यहाँ से जैकेट लेके इस बार आज लेके आए, पिछली बार जैकेट लेनी पड़ गई थी। सो गाइस आज का व्यू देखो यार मजेदार, ये मेरे दोनों गधे भाई पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, एक गधा ये है एक गधा ये है, कहाँ थे वे बहुत सही बोल निकली हुई थी। हाँ और जाओ और जाओ बिना पूछे जाओ जाओ जल्द जाओ जाओ। गाइस यहाँ आप घोड़े से भी ट्रेवल कर सकते हो, और आगे यहाँ पे आपको अमरनाथ यात्रा की सीढ़ी भी दिख जाएगी, चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये हो गया लोचा क्या भाई, गड़बड़ हो गया मामला, हाँ बंद हो गया यार। ऐसा क्यों हुआ हम लोगों के लिए, ये बंद हो गया रास्ता, बट हाँ जगह सुंदर है, कहीं भी खड़े हो जाओ कहीं भी कुछ करो फोटो खिंचा लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी ये देखने के लिए, आपको बहुत सारे जूसेस की दुकानें मिल जाएंगी। सो गाइज आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी दिख जाएंगी, जैसे कि उलन वगैरह की, और कुछ भी आपको लेना हो सामान वगैरह भी आप ले सकते हो, बहुत सुंदर जगह है। तो गाइस अंदर जाने को नहीं मिला, पर हम लोग जो है यहाँ से फोटो शूट कर रहे हैं, बहुत सुंदर जगह है, सब आए हैं होटल में मैगी खाने के लिए, पहाड़ों पे आओ मैगी ना खाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, क्यों गाइस पहाड़ों की मैगी तो मैगी होती है। सो गाइस यहाँ पे बच्चे अपनी बाइक ढूंढ रहे हैं,
अनमोल सो गाइज हम लोग आ गए हैं इस समय बैताब वैली में। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का भी, आपको दिखा ये देखिए बैताब वैली। सो क्यूट। सो गाइस देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये बहुत गहरा पानी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही। ये पता है पानी इतना ठंडा है ना कि अगर उसमें हाथ जम जाएगा। बारिश भी हो रही है, इसीलिए चैलेंज दिया था 10 सेकंड के आप बता रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू है। खरगोश उसके हाथ में और कोई जाना खरगोश पैसे मिल गए। अरे गिरा दिए। देखो तुम लोग पा चुके अभी अभी लेके गए हो। अंशिका बहुत भूख लगी है, उसी को पूरा खाना आया उसी के लिए। इतना खाना अंशिका खाएगी केवल आज सुबह से। सो गाइस ये है पहलगाम की मार्केट, बहुत ही सुंदर और अच्छी। बाहर देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है। बहुत चहल पहल है, रात के 8 बज रहे हैं तो भी। तो थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।